हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू अवर शोरूम। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों को याद होगा, हम लोग बना रहे थे कलेक्शन जो कि फरारी का बना रहे थे। लेकिन गाइस पता है, फरारी अभी मेरे पास सिर्फ 11 फरारी हैं और मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट 15 हो जाएंगे, उसके बाद इनको मॉडिफाई करके सेल करेंगे। लेकिन गाइस उससे पहले मैंने बना लिया है लैम्बो का कलेक्शन, वो भी अपने पास 10 लैम्बो हो गई हैं और अभी यहाँ पे तो 6 खड़ी हैं। तो आप करोगे ब्लेज भाई क्यों झूठ बोल रहे हो, भाई 6 ही तो हैं। लेकिन गाइस अभी आप लोगों को 3 और दिखाता हूँ। तो अपने पास अभी टोटल है 9 लैम्बो और अपन लोगों को एक और लैम्बो कलेक्ट करनी है, उसके बाद अपन लोगों के पास हो जाएंगे 10 लैम्बो। इनको कराएंगे आज मॉडिफाई, मस्त मस्त कलर कराएंगे, मॉडिफाई कराएंगे और उसके बाद सेल करेंगे। और गाइस जहां तक मुझे पता है, एक लैम्बो जाती है 7.5 लाख की और 10 लैम्बो यानी 75 लाख। भाई आज तो भाई पैसे आने वाले हैं गाइस, बहुत ही खतरनाक प्रॉफिट होने वाला है। और गाइस जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं, इस चैनल पे चल रहा है 100 डे चैलेंज। इसका मतलब 100 डे 100 वीडियोस और ये है डे 8। तो आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, अगर आप लोग नए हैं तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो गाइस आज अपन लोग फाइनली मॉडिफाई कराने वाले हैं अपनी लैम्बो और इनको सेल करेंगे। तो भाई आज तो बहुत ज्यादा पैसे हो जाएंगे। और गाइस मैंने 3 ऑडी भी ले ली थी, भाई क्या शानदार लगती है। ये कलर मेरा फेवरेट है भाई ऑडी में, सच्ची बता रहा हूँ। ये वाला क्या धांसू लग रहा है, ये भी अच्छा लगता है। और भाई व्हाइट कलर तो ऐसा है कि हर कार पे अच्छा लगता है। तो गाइस इनको मॉडिफाई कराना है, कलर कराना है, तो आज बहुत सारा काम करना है, इनको सेल भी करना है और जिससे अपन लोगों को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सुमदा वीडियो, लेट्स गो गाइस। तो गाइस आ जाए ऑक्शन। सबसे पहले मैं ये देख के आता हूँ कि यार ऑक्शन में हमें मिल सकती है या नहीं। एंड मैं अपनी ऑडी नहीं लेके जाने वाला क्योंकि वहाँ ना बहुत ज़्यादा ही नीचे, मतलब वहाँ ना ये नीचे वाली कार जा नहीं पाएंगी। फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, अपनी लेके चलते हैं ऑडी, होपफुली अपन लोग देख के आएँ, ऑडी से ही देखने के लिए मिल जाए। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओके गाइस देखते हैं कौन कौन सी कार आई है। प्लीज़ एक लैम्बो मिल जाए गाइस, लैम्बो चाहिए मेरे को। ओके फरारी है, लैम्बो नहीं है, तो चलो ऑक्शन में तो आना पड़ेगा 1 बजे। और गाइस आज वैसे भी बहुत सारा काम करना है भाई, फरारी मिल गई भाई, 12 फरारी हो जाएंगी। मैं सोच रहा हूँ 15 का कलेक्शन करें, आप लोग बताना कितना फरारी करें। वैसे मेरे 15 ठीक है यार, 15 फरारी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। एंड क्योंकि भाई पैसे भी बहुत कम थे भाई मेरे पास, पता है इतने पैसे भी नहीं थे मेरे पास, शायद 20 थे। हाँ 20 लाख से मैंने स्टार्ट किया था, तब शायद मेरे पास 4 या 5 लैम्बो थी सिर्फ। उसके बाद भाई मैंने सिर्फ 20 लाख में ये सारी चीज़ें कर ली, 9 लैम्बो। भाई बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, लेकिन हाँ मैंने बहुत मेहनत की और फाइनली अपने पास ये सारी आ गई है। एक लैम्बो अच्छी है जो कि ऑक्शन में तो नहीं है, तो हो सकता है कल मिले। तो आज मेरे को ये सारी कार क्लीन करनी है, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। और इनको मॉडिफाई भी कराना है, एक एक करके सभी को मॉडिफाई कराना है। और भाई इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन मैं कर लूँगा गाइस, आप लोग फिक्र ना करो। और गाइस अपन लोग बहुत जल्दी फोर्जा होराइजन भी स्टार्ट करने वाले हैं और भाई उसके मज़ेदार वीडियो आने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या कर रहे हो गाइस, क्या कर रहे हो, फटाक से सब्सक्राइब करो। और इनको मैं क्लीन करने के बाद मिलता हूँ भाई, इनको मॉडिफाई कराने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और गाइस इनकी ना मैक्स स्पीड भी चेक करेंगे, उधर ना आप लोग मैक्स स्पीड चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को यहाँ से वो ट्रक दिख रहा है ना, तो उस पर जाके हम लोग ऐसी लोकेशन जाएंगे जहाँ आप लोग अपनी मैक्स स्पीड चेक करेंगे। और मैं एक लैम्बो का चेक करूँगा जिसमें रेसिंग किट लगी होगी, नॉस भी लगा होगा और नाइट्रो भी लगे होंगे, और उसके बाद चेक करेंगे कि उसकी मैक्स स्पीड कितनी होती है। भाई मज़ा आएगा यार फुल मॉडिफाइड लैम्बो की स्पीड चेक करने में। लेट्स गो इनको क्लीन करता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। अ फ्यू इंचेस लेटर। ओके गाइस तो मैंने सारी की सारी लैम्बो कर दिए क्लीन और भाई क्या ही शानदार लग रही है। अब टाइम है इन सबको मॉडिफाई कराने का, क्योंकि भाई अब टाइम हो गया भाई ऑक्शन का, तो ऑक्शन से जल्दी से जाके मैं फरारी ले आता हूँ। और गाइस पता है फरारी बहुत ज़्यादा रेयर हो गई है, अब ऑडी तब भी मिल जाती है और लैम्बो भी मिल जाती है, बट अब फरारी बहुत ज़्यादा रेयर हो रही है। जिस चीज़ का मैं कलेक्शन बनाता हूँ वो रेयर ही हो जाती है भाई, क्या करूँ मैं। लेकिन गाइस चलो चलते हैं, चेक करते हैं और टाइम हो गया, मैं अपनी ऑडी में जाऊंगा। क्या शानदार लगती है गाइस, आप लोग फेवरेट कलर बताओ यार। मेरे को ना सबसे अच्छा ये वाला ही लगता है, ये मतलब ये वाला ब्लू अलग ही लगता है भाई अपनी ऑडी पे, बहुत ज़्यादा शानदार लगता है। चलो लेके चलते हैं इसको। और गाइस मैंने अभी ऑडी की मैक्स स्पीड चेक नहीं की, इसकी भी मैक्स स्पीड चेक करेंगे। और इसका साउंड भाई 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 भी इतना मज़ेदार है, मज़ा आ जाता है। टाइम हो गया है ऑक्शन का और आई थिंक पहली कार अपनी फरारी होने वाली है, तो चलो चलते हैं उसको परचेज करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अंकल जी जल्दी से टिकट दो मेरे को, थैंक यू फॉर द टिकट। ओहो आ गई अपनी फरारी, ये हमारी 12th फरारी होने वाली है, तो ये तो मैं कुछ भी करके परचेज करेगा मेरा अकॉर्डिंग भाई 3 लाख। ओह शिट भाई ये कैसे हो गया, हे भगवान। मैं 22 लाख से भर रहा था, मेरे पास 2 लाख से क्या करूँ मैं, कुछ कर नहीं सकता। शिट भाई
पोपट कट गया भाई, एक कार बेचनी पड़ेगी मेरे को, ऑडी सॉरी गाइस। तो फिलहाल हमें एक कार को बेचनी पड़ेगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पता है इनमें से कोई भी सेल नहीं करूंगा। अगर मैं इनमें से सेल कर देता हूँ तो ये बहुत ज्यादा रेयर है, इन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो गाइस नेक्स्ट डे मिलते हैं, और आई होप कल हमें ना कार मार्केट मिल जाएगा। कार मार्केट अगर मिल गया ना उसमें से एक दो सस्ती कार ले लेंगे, और अपन लोगों को 5-6 लाख रुपए चाहिए आई थिंक, 2-3 कार से हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं कल सुबह, लेट्स गो। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज अपन लोगों को कैसे भी करके 5-6 लाख रुपए अर्न करने हैं। वैसे यहाँ पर कोई अच्छी कार नहीं है जिसको, ओके मस्टैंग है, मस्टैंग यार इतनी महंगी जाती नहीं, अदरवाइज मैं मस्टैंग ले लेता हूँ। आज के कार मार्केट ओपन है, मैं तो आ गया भाई, कार मार्केट ओपन है भाई। देखो मैंने कहा था भाई कुछ कार ऐसी होती है जो अपने बजट में हो, लैम्बो भी है। तो गाइस आज हमारा कलेक्शन भी हो जाएगा। देखो ऑडी भाई अब इतनी रेयर नहीं रही, ऑडी भी खरीदनी है मेरे को, लेकिन यार ऑडी मैं नहीं परचेस कर पाऊंगा क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। फिलहाल मेरे को ये कार खरीदनी है क्योंकि ये बहुत मस्त है भाई, ये 3.5 लाख की जाती है, तो ये मैं परचेस करने वाला हूँ। और अंकल जी इतना पैसा नहीं है मेरा, तो आप लोग एक काम करो, ये 180 में दे दो मेरे को, देखते हैं अगर अंकल मान जाते हैं तो कई सब लोगों को मिल जाएगी। प्लीज़ मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ यार, 195 दे देता हूँ मैं इनको, आई थिंक 195 में मान जाना चाहिए क्योंकि अंकल बहुत अच्छी प्लेयर है। प्लीज़ 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 यार, ये बड्डा मान ही नहीं रहा। 2,05,000 प्लीज मान जाओ अंकल, यस। तो गाइस फाइनली अपन लोगों को मिल गई कार, अब इसको जल्दी से सेल करना है, उसके बाद मैं आता हूँ क्योंकि अपने पास नहीं है पैसे भाई, पैसे बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये, चलो भाई अच्छी बात है, इसको मैं डायरेक्ट सेल पे लगा दूंगा। मैं एक दो कार और लेके जाता हूँ क्योंकि भाई मेरे को सेल तो करनी है। गाइस बाद में आते हैं यार, बहुत अच्छी अच्छी कार आई हैं, लेकिन मेरे को मेन है लैम्बो लेने का। A few inches later. Okay, guys, तो मैंने फियात करा दी है ट्यून, और भाई इस पे कलर भी क्या है, क्या शानदार लग रही है। लेकिन गाइस पता है एक प्रॉब्लम है यार, ये इतनी महंगी है ही नहीं कि अपन लोग लैम्बो खरीद सकें, तो हाँ ये मेरे को सेल करनी पड़ेगी। और मैं सोच रहा हूँ एक और कार अपन लोग सेल कर दें, 4 लाख लगाओ भाई इसके। और मैं सोच रहा हूँ गाइस एक और कार अपन लोगों को सेल करनी पड़ेगी, और मैं सोच रहा हूँ ऑडी सेल कर दें क्योंकि अपन लोगों को लैम्बो का कलेक्शन बनाना है आज। और अगर मैं एक ऑडी सेल कर दूंगा तो फिर वहाँ से हम लोग एक ऑडी भी लेके आ सकते हैं। तो ये वाली ऑडी मैं सेल करने वाला हूँ, और ये वाली ट्यून नहीं है, जो ट्यून होगी वो सेल करूंगा ताकि उसके अच्छे खासे पैसे मिले। ये वाली ट्यून है तो इसको मैं करने वाला हूँ सेल ताकि भाई पैसे आ जाएं। भाई देख रहे हो मैं अपनी प्यारी ऑडी सेल करने जा रहा हूँ, लेट्स गो गाइस। लेकिन करना पड़ेगा ताकि अपन लोगों के पास पैसे आ जाएं, और एक ऑडी तो वहाँ खड़ी है वो मैं परचेज कर लेगा। और ये जाने वाली है काफ़ी महंगी, ये महंगी जाती है गाइस। A few inches later. तो गाइस अपनी ऑडी के लिए कस्टमर आए हैं, देखते हैं कितने की लेंगे ये ऑडी। 6 लाख दे रही हैं, चाहो घर पे जाओ। चलो दीदी आप अपनी फियात ले लो यार जल्दी, तो कितने लोग ही, लेट्स गो गाइस। चेक करते हैं ये 330 पे मानती है नहीं, या आई थिंक या अरे यार मान जाओ ना, 320 इज लास्ट, इससे कम नहीं कर सकता मैं, 320 इज लास्ट गाइस। देखते हैं 320 यस। तो गाइस अपनी फियात तो चलेगी, अब अपनी ऑडी भी भाई वो 6 लाख दे रहे हैं, 6 लाख में तो नहीं देने वाला। और लैम्बो लेने जाऊंगा, उससे पहले यार थोड़े पैसे आ जाएं यार, वरना लैम्बो नहीं खरीद सकते अपन लोग। ओ भाई जल्दी आओ, कोई तो आओ यार, लेके जाओ इन कार को, और मैं सारी कार क्लीन करता हूँ, तब तक कस्टमर भी आ जाएंगे। A few inches later. तो गाइस अपनी ऑडी के लिए कस्टमर और आ गए हैं भाई, पहले देखते हैं गाइस कितने की जाएगी। प्लीज प्लीज ले जाओ अंकल, कितना, हाँ ये देखो से 7.5 लाख बोल रहे हैं, तो ये आई थिंक 9 लाख बोल देता हूँ पहले, 9 लाख तो देनी चाहिए, और उसके बाद मैं 8.5 या 8, 8.5 तक दे दूंगा गाइस। देखते हैं 850 बोल दिया मैंने, देखते हैं 850 में मानते, यस। तो गाइस 850 में अपनी चली गई है मस्त इसी ऑडी, और मैं अब दोनों लेके आने वाला हूँ, लैम्बो और ऑडी भाई, ये बढ़िया था गाइस। अपन लोगों ने एक ऑडी दी, एक ऑडी ली, और अपने को लंबे भी मिल गई लैम्बो लैम्बो। क्या बोला तूने? तो गाइस ये कल का लौंडा मेरे को इतना महंगा दे रहा है, इसको इतना तो नहीं देने वाला, मैं देने वाला हूँ 350, आई थिंक इतने में ये मान जाएगा, खुश हो जाएगा, बेटा बहुत ज़्यादा हो गया समझ रहा है यार, ये मान ही नहीं रहा। 380 इज फाइन गाइस, देखते हैं 380 में मानता, यानी 380 बन जा, यस फाइनली अपन लोगों को मिल गई है, इसको घर पे भेजो, और मेरे को ऑडी भी लेके जानी है, यस भाई। एक ऑडी दिया तो दूसरी ऑडी चाहिए चाहिए, कुछ भी कर लो चाहिए। और यार ये तो कितनी महंगी देते हैं, ये देखो भाई 6.5 लाख की देते हैं यार ये लोग बहुत महंगा देते हैं, मैं 5 लाख देने वाला हूँ गाइस। मैंने 5.5 लाख बोल दिया है, आई थिंक मान जाएंगे, चलो लेट्स गो। वैसे इसके मैंने ज़्यादा ही दिए हैं, 5.5 लाख तो नहीं देने थे, लेट्स गो गाइस। अब यार अपन लोगों को पैसों की कमी होने वाली नहीं है, तो हाँ एक बार सारी लैम्बो में मॉडिफाई करा दो, और फिर गाइस इतने पैसे हो जाएंगे, यस बहुत ज़्यादा मेहनत की इसके लिए, और पैसे भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ऑडी को वहीं रहने दो, फिलहाल मैं इन सबको कराता हूँ, पहले क्लीन करता हूँ, क्लीन विलीन नहीं गए था गाइस, पहले मैं इनको ना कलर वाला करा देता हूँ तभी कुछ होगा। तो इसी को सबसे पहले कराते हैं, अपने पास 10 हो गई हैं, हाँ लेट्स गो गाइस, क्लीन विलीन कराता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ। और कलर ना मैं सारे कलर अलग अलग कराने वाला हूँ क्योंकि अलग अलग कराएंगे तो मस्त लगेंगे। चलो
पहली लैम्बो, लेट्स गो गाइस। तो मैंने सोच रहा हूँ मैं अपने पहले लैम्बो को ना ग्रीन कलर देने वाला हूँ, जो कि काफी शानदार लग रहा है भाई। क्या शानदार लग रही है, थोड़ा मेटेलिक होना चाहिए। ओके गाइस, तो ये परफेक्ट लग रही है अपनी लैम्बो। अब इसको लेके जाता हूँ, इसके टायर वगैरह भी चेंज कराता हूँ, क्योंकि भाई टायर अच्छे नहीं लग रहे हैं भाई। ये वाले टायर मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को वही वाले अपने वाले पसंद है जो कि अभी 4000 के मिल रहे हैं, वो बेस्ट लगते हैं। तो यस भाई, मैंने इसमें रेसिंग किट लगा दिया, टर्बो और एनओएस भी लगाने वाला हूँ। सस्पेंशन आगे से थोड़ा सा नीचे और पीछे से थोड़ा सा ऊपर, हाँ अब अच्छी लग रही है। एंड लाइट वगैरह भाई, इस पर ऑरेंज लाइट लगाने वाला हूँ, बहुत ही खतरनाक लगेगी भाई साहब। एक मिनट थोड़ी डार्क कर दूँ। तो गाइस मैं रखने वाला हूँ रेड कलर की लाइट, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल लग रही है। इसको मैं करा देता हूँ। प्लेट कैसी भी रख लो, प्लेट ना मैं रखने वाला हूँ ये वाली अच्छी लगेगी। एंड प्लेट ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस व्हील तो ये वाले बेस्ट लगते हैं। और गाइस इसमें मैंने रेसिंग किट लगा दी है, और इसमें मैंने एनओएस और टर्बो दोनों लगा दिए हैं। चलो अब चलते हैं, इसकी स्पीड चेक करते हैं। और देखो भाई क्या शानदार लग रही है, चलो इसकी स्पीड चेक करते हैं। पहले मेरे को देखनी है भाई कि इसकी मैक्स स्पीड कितनी जाती है। तो चलते हैं अपने ट्रक पे और जाके स्पीड चेक करते हैं। वैसे टाइम हो गया, रात होने वाली है, तो गाइस पहले इसकी स्पीड चेक करेंगे फिर घर पे चलेंगे। तो लेट्स गो गाइस। पहले ना भाई, ओहो हो भाई स्पीड है गाइस, सच्ची में स्पीड है, मजाक से हटके इसमें स्पीड तो है। लेट्स गो, इसको ऊपर रखता हूँ। एंड चढ़ गई भाई, मेरे को डाउट था। लेट्स गो दीदी। तो गाइस अपन लोग चलते हैं फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट में चेक करने वाले हैं इसकी स्पीड। लेट्स गो गाइस। तो फाइनली अपन लोग आ गए हैं जंगल में। लेट्स गो, इसको ऑन करता हूँ और यहाँ से निकलते हैं। लेट्स गो। क्या धांसू लग रही है यार, इसको क्लीन करा के लेके आना था, गंदी लग रही है, बट कोई नहीं गाइस। 1 2 3 लेट्स गो। और मैं नॉस भी यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन नॉस ना बाद में यूज़ करूँगा, और इसकी मैक्स स्पीड चेक करनी है भाई। धांसू तो लग रही है ग्रीन कलर में, थोड़ी सी गंदी कर रखी है लेकिन अच्छी लग रही है भाई। इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, 0 to 100 इतना लेट हुई है। चलो गाइस नॉस स्टार्ट किए मैंने, लेट्स गो भाई। 300 टच हो जानी चाहिए यार, नॉस तो ख़त्म हो गए। एंड होपफुली प्लीज़ 300 टच करा दो यार भाई, लगता नहीं है 300 टच करेगी, कर सकती है क्या भाई। नॉस आ गया, जंप कहते हैं गाइस। लेट्स गो गाइस, जंप, लेट्स गो भाई। अरे बाबा भाई ये क्या था, एक मिनट ये तो कबाड़ा हो गया भाई, वो जंप नहीं था, वो कबाड़ा था, सच्ची बता रहा हूँ, पूरी गाड़ी खराब कर दी मेरी। लेट्स गो गाइस, इस बार हम लोगों ने जल्दी किया है ना, जल्दी किया 0 to 100। लेट्स गो गाइस भाई, इसकी मैक्स स्पीड 260 दिखा रहा है, जो कि बहुत कम है भाई। मैंने मॉडिफाई इतनी ज़्यादा करा दी, रेसिंग किट भी लगा दी, एनओएस भी लगा दिया, और अपना नाइट्रो भी लगा दिया, उसके बाद ये स्पीड है। तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई अच्छी स्पीड है। अब चेक करना है अपनी फरारी और लेम्बो, अपनी ऑडी कितनी की जाएंगी, उनकी स्पीड होने वाली है ज़्यादा। मैंने एनओएस दिया है, आई थिंक 260 इस बार क्रॉस है। नाइस भाई, इस बार क्रॉस है 260। आई थिंक 300 टच, प्लीज़ 300 टच। एंड लेट्स गो ना गाइस, 284 है, ये भी अच्छी थी। ओके गाइस, तो फाइनली अपन लोग आ गए हैं। इसकी स्पीड अच्छी थी, 284 इसने मैक्स स्पीड टच की। अगर अपन नाइट वगैरह यूज़ करते तो 300 आई थिंक टच कर जाती, लेकिन भाई बहुत स्लो है भाई मैंने सोचा था लैम्बो की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इन सबको मेरे को कलर कराना है, और आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगा कि किस किस का कैसा कलर है, और इनको अच्छे से पार्क करनी है मेरे को बढ़िया तरीके से, मतलब देखने में मज़ा आए। तो गाइस मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज मेरे को सारी की सारी लैम्बो कलर करानी है और मॉडिफाई करानी है, उसके बाद सेल भी करना है। तो गाइस अगले दिन सेल हो पाएगी मुझे लगता है, क्योंकि एक दिन तो पूरा जाएगा इनको मॉडिफाई कराने में। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। अपन लोगों ने पहली लैम्बो कर ली है, लेकिन गाइस ये ना टूटी हुई है, ये मेरे को पता ही नहीं था, अभी जाकर पता चल रहा है तो कि इसमें डैमेज है। तो इसको जल्दी से मैं रिपेयर के लिए भेज देता हूँ, और बाकी सारी लैम्बो मेरे को ठीक करानी, मतलब मॉडिफाई करानी है। और गाइस चलो लैम्बो नंबर 2, लेट्स गो गाइस, इसका भी कलर वाला कराते हैं, मस्त लगेगी। ओके गाइस, तो अपनी लैम्बो नंबर 2 हो गई है कलर, और क्या धांसू लग रही है भाई, ये देखो क्या ही कमाल लग रही है भाई येलो में। ओफो, पहले ही थी ग्रीन, दूसरी है येलो, अब तीसरी लेके आता हूँ गाइस। तो लैम्बो नंबर 3, जिसका कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, आप लोगों को दिखाता हूँ भाई पीछे जाके, भाई कितनी ही धांसू लग रही है भाई, मतलब मजा आ गया गाइस। अब इसको जल्दी से टायर भी चेंज करा दे रहा हूँ, और हाँ गाइस सब मैं सेम ट्यूनिंग रखने वाला हूँ कार में, जितनी भी हैं अपनी उस टायर सेम रखने वाला हूँ, ताकि सारी की सारी सेम प्राइस पे भी जाएं, और तभी तो मज़ा आएगा गाइस। तो मिलते हैं लैम्बो 4 के साथ। ओके गाइस, तो अपनी लैम्बो 3 हो गई है कलर, और पता है मैंने पिछली बार ज़्यादा बोल दिया भाई, वो लैम्बो 2 ही थी और मैंने 3 बोल दिया, पता नहीं कहाँ चल रहा मेरा दिमाग। और इसमें भी ट्विन कराता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ भाई। और गाइस आप लोग सोचे होंगे कि ब्लेज भाई इसमें भी येलो कलर, तो हाँ भाई मैं डबल कलर रखने वाला हूँ, क्योंकि पास अपने पास है 10 लैम्बो, और मैं रखने वाला हूँ 5 कलर की लैम्बो, जो कि 2-2 होने वाली हैं, येलो ग्रीन और ब्लू और रेड, और बाकी मैं सोच रहा हूँ एक ब्लैक रखूँ, या फिर
और रखते हैं वाइट, मज़ा आएगा गाइस। तो गाइस फाइनली अपनी लैम्बो 5 हो गई है तैयार, और पिछली बार मैंने उसे 3 बोला था लेकिन गाइस ऐसा नहीं है, वो 4 ही थी क्योंकि एक ना अपनी गैराज में रखी है और गाइस सेम का सेम कलर कराना है। तो फाइनली 2 येलो 2 ब्लू हो गई हैं, 2 ग्रीन करानी है मेरे को, फिर 2 ब्लैक और 2 वाइट, तो मस्त लगेंगी। तो गाइस अपनी लैम्बो 6 भी हो गई तैयार ऑल ब्लैक, तो भाई क्या ही शानदार लग रही है। तो गाइस ये लास्ट होने वाली है इस दिन की, मिलते हैं कल, और कल तक तो गाइस सारी हो जाएंगी। फिलहाल इसमें मेरे को मॉडिफिकेशन कराना है, भाई टाइम गया 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 गया, शिट अब इसको भी कल ही कराना पड़ेगा। गाइस तो लैम्बो 7 भी कलर करा दिया मैंने ऑल वाइट, क्या ही शानदार लगा रही है। अब लेके आते हैं लैम्बो 8, लेट्स गो गाइस, बहुत सारा काम करना है। ओके गाइस तो अपनी लैम्बो 8 भी हो गई है तैयार, जो कि है ग्रीन कलर। अब गाइस अपने सिर्फ 2 रह गए हैं, जो कि एक ब्लैक और एक वाइट होने वाली है, उसके बाद मैं आप लोगों को सारा कलेक्शन दिखाता हूँ, लेट्स गो। ओके गाइस तो अपनी लैम्बो 9 भी हो गई कलर, जो कि है ऑल वाइट। तो गाइस मिलते हैं लैम्बो 10 के साथ, जो कि होने वाली है ऑल ब्लैक। ओके गाइस तो फाइनली अपनी लैम्बो 10 हो गई है कलर, जो कि है ऑल ब्लैक। अब सारे के सारे लैम्बो मैं अच्छे से अरेंज करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, वैसे भी दिन हो गया, मिलते हैं कल सुबह यार। गुड मॉर्निंग गाइज, तो आज फाइनली टाइम आ गया अपनी लैम्बो सेल करने का, और आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने क्या मस्त खड़ी करी है। लेकिन उससे पहले ना मेरे को एक टैबलेट लेके आना है, जो अपन लोगों को बियर बार पे मिलेगा। चलो इससे नहीं जाता मैं, वैसे ही चले जाऊँगा, मतलब जल्दी चले जाएंगे। तो चलो चलते हैं भाई रेड बार, और यहाँ हमें मिलेगा टैबलेट, इस बंदे से मिलता है जो कि मेरे को चाहिए था। और जल्दी भाई इस बंदे से टैबलेट ले लूँ, ताकि अपन लोगों का काम थोड़ा ना आसान हो जाए। ये मेरे को चाहिए, थैंक यू ब्रदर। एंड नाउ अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ये रहा टैबलेट, और इसमें पता कैमरा भी है भाई, ये ही चाहिए था मेरे को। गाइस तो इसकी मदद से अपन लोग मस्त मस्त फोटो खींचेंगे। फिलहाल अपन लोगों को यहाँ से निकलना है, और गाइस आज अपन लोगों को बिल पे करने हैं। बिल पे करने के बाद अपन लोग मस्त अपनी लैम्बो सेल करेंगे, यहाँ से निकलते हैं, लेट्स गो गाइस। पता है मेरा बहुत मस्त लग रही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस ये है अपना लैम्बो का कलेक्शन, क्या था, अरे कूलर डाला है यहाँ पे यार। तो गाइस ये है अपनी लैम्बो का कलेक्शन, ये सबको पहले मैं सेल पे लगाता हूँ, और इनको क्लीन भी करना है, पहले सेल पे लगा देता हूँ सबको। मैं 8 लैक रखूँगा और सेल करूँगा मैं 7,50,000, इसका मतलब अपन लोग आज हो जाएंगे 77,000। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं भाई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेट्स गो भाई। आज ना बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सारी की सारी लैम्बो सेल करनी है, जितनी भी लैम्बो है मेरे को सारी सेल करनी है, लेट्स गो गाइस। अ फ्यू इंचेस लेटर, तो गाइस मैंने बिल पे कर दिया है, और गाइस अब मैंने रखी है 85,000 की प्राइस रखी है, जिसकी वजह से ये 8,000 की और 8 लाख की जाएंगी, मैं 1,000 बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले इन सबको क्लीन करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ, ताकि बिना क्लीन के ना ये सस्ती जाएंगी, और वो मेरे को नहीं करना। सारी की सारी क्लीन कर देता हूँ भाई, क्या ही धांसू लग रही है, लेट्स गो। तो गाइज मैंने सारी लैम्बो कर दी है क्लीन, लेकिन अभी यार कस्टमर थोड़े कम आए हैं, लेकिन गाइज ट्राई करते हैं कि 8 लाख की लैम्बो जाती है या नहीं। आई होप जानी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी मॉडिफाइड है। देखो ये तो चले भी गए भैया नाराज होकर, लेकिन स्टार्ट करते हैं दीदी से, जो कि येल्लो अपनी लैम्बो है, देखते हैं कितने की जाएगी। दीदी कितने दे रही है, निकलो यार। भाई मेरे को लग रहा है मैंने 8.5 लाख ज़्यादा दे दिया, लेकिन 7.5 से नीचे तो मैं किसी को नहीं देने वाला, देखते हैं गाइज। भाई देखो अगर ये 8 लाख की ले लेती हैं, तो फिर मैं सभी को 8 लाख का देने वाला हूँ। अभी 8,20,000 दे रहा हूँ, देखते हैं मान दिए या नहीं। टाइम पर को अब मैं लास्ट देने वाला हूँ 8 लाख, अगर 8 लाख नहीं मानते ना तो मैं 7.5 लाख देने वाला हूँ, लेट्स गो गाइस। 8 लाख लास्ट है, देखते हैं मानते हैं नहीं। तो गाइस 8 लाख में तो कोई नहीं मानना, अब मैं देने वाला हूँ 7.5, आई थिंक 7.5 में तो सारे लोग ले लेंगे। तो गाइस पैसे पैसे होने वाले हैं, लेट्स गो गाइस, ट्राई करते हैं। अंकल तो नहीं ले पाएंगे 7.5, भैया आप कितने की ले रहे हो भाई? पता बहुत सारे कस्टमर आ गए हैं, मुझे नहीं लगता आज मैं सारी की सारी कार सेल कर पाऊंगा, लेट्स गो। इसको क्लीन करने में ही और ये सब टाइम में निकल जाता है भाई, बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। आई थिंक ये ले लेंगे 7.5 की, और मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधी अपनी प्राइस बतानी है और इनसे पैसे लेने हैं भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता मैं, जल्दी दो जल्दी दो। यस तो गाइस अपनी पहले लैम्बो गई भाई, अब देखो पैसे आने वाले गाइस। पैसा ही पैसा होगा, बहुत सारा पैसा होने वाला है यार, देखते हैं कितने की जाती है। एंड ये 6 लाख की दे रहे हैं, तो 6 लाख वालों को तो पहले ही हटाओ यार, जो 6.5 से जो कम है वो सब पहले ही हटा दो, क्योंकि वो अपने काम का बंदा है ही नहीं, ये भी नहीं है भाई। चलो देखते हैं गाइस कौन कौन है, अपनी एक ही लैम्बो गई अभी तक यार, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अरे दीदी आप क्या यार पैसे वैसे लेके आओ, लैम्बो खरीद रहे हो, वो भी फुल मॉडिफाइड यार। ये ले लेंगी 7.5 की, जल्दी ले लो जल्दी ले लो ले लो भाई 7.5 की लैम्बो, प्लीज़ प्लीज़ सारे के सारे। अरे यार आप निकलो भाई, हाँ ये ले लेगा, ये बंदा ले लेगा अपनी सेकेंड लैम्बो, हो सकती है ये, हो सकती है, यप यस। तो गाइस अपनी व्हाइट वाली लैम्बो भी गई, लेट्स गो भाई, अब देखते हैं ब्लैक वाली कौन लेके जाएगा। गाइस तो मुझे लगता है अपनी ब्लैक वाली ये ले सकते हैं, मैं देने वाला हूँ 7.5, तो प्लीज देखते हैं गाइस अपनी तीसरी लैम्बो क्या जाएगी।
नहीं जा रही साइड में जाओ दीदी, बहुत सारे लोग हैं, किराया की बहुत है भाई, किराया की बहुत है। बात तो सही है। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ ग्रीन वाली लैम्बो पे, देखते हैं कौन लेके जाता है। एंड आई थिंक ये तो इनकी बस की नहीं है भाई, येलो वाली पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो देखते हैं येलो वाली कौन लेके जाएगा। टाइम टू गो यार, ऐसे ना खरीद के जाओ, ऐसा ना। ओके ये ले सकते हैं भाई, ये इजीली ले लेंगे 75। जल्दी 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 ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ये आप ही के लिए है, ये आप ही के लिए, ले जाओ ले जाओ, मुझे पता है ले जाओगी। तो गाइस अपनी दोनों येलो से लेंगे, और इधर कचरा डला है भाई। तो गाइस अपनी जो ब्लू वाली है उसके लिए काफी सही प्राइस दे रही है ये, देखते हैं क्या ये ले पाएंगी। ले लो दीदी, बहुत अच्छी है। यस तो गाइस वही अपनी ब्लू वाली भी गई। ओ भाई इतने सारे कस्टमर है भाई, मैंने देखा ही नहीं। सॉरी सर, सॉरी सर, आई एम लिटिल बिट बिजी, यू नो आई एम बिग वेरी बिग बिजनेसमैन भाई। ये ले लेंगे। यार वो बंदा 660,000 दे रहा था यार, चला गया भाई वो बंदा। काफी सही दे रहा था। ये भी सही दे रही है, क्या ये लेती हैं। ले लो ले लो ले लो, बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है ना, तुम्हारी बस की नहीं है। एंड देखते हैं गाइस अपनी ग्रीन वाली कौन लेता है। भाई तुम बताओ तुम कितने पैसे दे रहे हो अपनी ग्रीन वाली, ये बहुत अच्छी है। जल्दी बताओ कितने दे रहे हो। ओके ये बंदा ले सकता है 7.5 में। जल्दी जल्दी भाई ले जाओ, बहुत अच्छी प्राइस है भाई, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ओके तो भाई हाय हाय हाय, एक वाइट वाली और चली है। तो गाइस आज आप लोगों ने 5 सेल कर दी, अभी और रह गई हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, देखते हैं। एक्साइटेड ही रहो बस आप, खरीदने तो वाले नहीं हो भाई। दीदी क्या कर रही हो आप, ब्लैक वाली बहुत अच्छी है, जल्दी बताओ कितने दोगी यार। ओके भाई ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, जल्दी से मेरे को लिखना पड़ेगा। तो ले जाओ ब्लैक वाली बहुत अच्छी है, ले जाओ दीदी ले जाओ बहुत। यस भाई सिर्फ 4 रह गए हैं, लेट्स गो लेट्स गो। ये ग्रीन वाली देखते हैं सर कितने की ले जाएंगे। सर प्राइस बताओ यार, ये सब टाइम पास मत करो मेरे साथ, टाइम प्राइस। ओके ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। ओके मैंने 75 बोल दिया है, जल्दी बोलो। यस भाई साहब। ओके लास्ट कस्टमर ऑफ द डे गाइस, देखते हैं ये लेते हैं या नहीं। देखते हैं गाइस, ये भैया ले सकते हैं, तो मैंने बोल दिया है 7.5 लाख। जल्दी ना, तुम्हारे बस की नहीं है। ओके गाइस एंड ऑफ द डे, तो अपने पास सिर्फ 3 लैम्बो रह गई हैं, तो कल सुबह मिलते हैं गाइस। जल्दी मेरे को घर जाना है और इनको भी सेल करना है। गाइज 51 लाख का प्रॉफिट हुआ है आज, अभी तो 3 लैम्बो और बाकी हैं। लेट्स गो गाइज, गुड मॉर्निंग। एंड चलो चलते हैं, आज 3 लैम्बो जो रह गई हैं उनको भी सेल करते हैं भाई। अब देखो कितने पैसे हो गए भाई, 1-2 लाख रुपए थे, अब 53 लाख भाई, 53 लाख रुपए हैं। क्या मजाक है क्या। पहले इनको क्लीन करना पड़ेगा और ऑफिस भी क्लीन करना पड़ेगा, तो जल्दी से मैं कहता हूँ ताकि कस्टमर आए भाई, इनको भी सेल करो। जल्दी ले जाओ भाई, अपने अपने घर ले जाओ भाई, इतनी शानदार कार मैं नहीं रख सकता। देखते हैं गाइज ये अपनी ब्लू वाली ले जाएंगे या नहीं, लेट्स गो। ओके गाइज ये मेरे को लगता है 75 हम लोगों को दे देंगे, तो जल्दी दे दो भैया 7,50,000 दे दो। यस तो गाइज अपने सिर्फ 2 लैम्बो रह गई हैं, और उसके लिए भी एक कस्टमर आ गया भाई। जल्दी से भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइज, सच्ची बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेट्स गो तुम्हारे बस की नहीं है भैया, निकलो। तो गाइज अपन लोगों को स्किल पॉइंट मिले हैं, एक्चुअली 3 स्किल पॉइंट हो गए हैं। तो मैं पहले ना पेंट की स्पीड बढ़ा, प्राइस कम कर देता हूँ, ताकि मैं पेंट वेंट कराता रहता हूँ ना, तो हाँ हम लोगों को थोड़े कम पैसे देने पड़े। और भाई जब तक तो, ओके कस्टमर आ गया भाई, जल्दी। ओके गाइस देखते हैं ये कल का लौंडा ओपनिंग लेके जाएगा ब्लैक वाली लैम्बो या नहीं। कितना है भाई, इसके पास पैसे ही नहीं होते भाई, तेरे पास पैसे नहीं होते तो आता क्यों है। गाइस देखते हैं ये दीदी ले जाएंगे या नहीं, लेट्स गो प्लीज ले जाओ। नहीं ले जाएंगे यार भाई, जो 6,40,000 से कम बोलता ना वो मतलब उसका बजट ही नहीं होता भाई, कि वो अपना थोड़ा सा भी एक्सपेंड कर सके। एंड आई थिंक ये ले जाएंगे, देखो मैंने बोला ये 6,40,000 से ज़्यादा बोल रहे हैं, तो ये ले जाएंगे। देखना गाइस आप लोग देखना, ये पक्का ले जाएंगे, मैंने बोला था। देखा हो गाइस, मानो मेरी बात यार। तो ये लास्ट लैम्बो रह गई है और अपने पास 68 हो गए हैं, तो उसके बाद अपने पास 76 हो जाएंगे भाई। जल्दी से आ जा। ओके गाइस ये दे रहे हैं 6,60,000, और मुझे पता है ये दे देंगे इजीली 7,50,000। तो गाइस अपनी लास्ट लैम्बो भी हो गई है सेल, तो गाइस अपन लोगों ने सेल किया आज 10 लैम्बो पे भी, मॉडिफाइड लैम्बो। उसके बाद अपन लोगों के पास टोटल पैसे हो गए 76, एक्चुअली टोटल लैम्बो अपनी गई है 75 की। तो भाई 75 लाख 10 लैम्बो के साथ मज़ा आ गया गाइस। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में अपन लोग सेल करने वाले हैं लैम्बो, उसके बाद अपन लोग ऑडी का भी कलेक्शन करने वाले हैं। तो गाइस अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई फरारी नहीं मिल रही, मैं इनका कलेक्शन कैसा बनाऊंगा भाई, मेरा समझ नहीं आ रहा यार।